मंडी की देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइयों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी विनोद सिंह कुशवाहा की टीम ने अंधे कत्ल और चोरी का खुलासा किया। बता दें कि हुजूरीपुरा रोड स्थित मोहित नगर में मृतक बल्लू बघेल को अज्ञात व्यक्ति ने मौत के घाट उतारा था। वहीं चोरी की वारदात में पुलिस ने चोरों के कब्जे से 3 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरातों सहित एक टीवी बरामद की है। पाया कि वहां मोहल्ले में कुछ फुटेज भी मिले थे। एक दिन पूरे को लगा देखा गया जो हाजी से जेल से कुछ समय पहले छूटा था, काफी समय से बाहर भी रहा था। वो अचानक देखना फिर शंका होने की पूछताछ की गई। उसके और उसके साथी द्वारा घटना कबूल की गई। घटना में उससे उसे दो एलईडी और जो जेवरात के लिए 2.5 लाख की जेवरात बरामद हुई, कुछ अभी और बरामद होना है जो तैयार किया जा रहा है। दौरान ही उनका आपस में विवाद हुआ और विवाद होने के उपरांत सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद मृतक पुनः फिर शराब पीने के लिए दुकान पर गया और शराब पीने के उपरांत उसको घर पर ला के उसके किसी व्यक्ति के द्वारा छोड़ा गया। तदुपरांत जिस व्यक्ति से पूर्व में इसका विवाद हुआ था वही व्यक्ति जब इसके घर के पास में आए तो ये घर के सामने टहलता हुआ मिला और इसके अपने साथ में आरोपी ने हत्या लाया। इससे उसको वार किया और वार करने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई।